है, मेरे बड़े बेटे के लिए भी ऊपर है, मेरी छोटी बेटी के लिए भी है, मेरे सारे प्रभु। अब जो लोग कहते हैं कि ईसाई लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, अब इनसे पूछो इनका धर्म बदलना कि जीवन बदलना। अरे 4 साल से इतने दुख में सही ढंग से ना सो पाए ना खा पाए, इनका पूछ कर इनका क्या। हालेलुया। तो ये सिस्टर का नाम जूही है और जो इनके साथ इनके मदर हैं और जिस सिस्टर की गवाही जे जे बता रहे हैं कि इन्होंने बताया कि 2019 में जो जिस सिस्टर हैं उसको जो नेगेटिव पावर दुष्ट आत्मा ने इसके माइंड को कंट्रोल कर लिया था और जिसके कारण इनकी फैमिली ने बताया है कि जिस सिस्टर अपने घर से चली जाती थी और जहाँ तक कि जे कभी कभी जे बता रहे कि कभी कई बार इसने छत से शाल भी मारने की कोशिश की और जिसके कारण इनकी फैमिली इनकी मदर को हर समय इनके साथ ही रहना पड़ता था और जिसके कारण जे अपने घर में अपने भाई बहन के साथ भी सही तरह से नहीं थी रहती, बहुत ज़्यादा लड़ाई क्लेश करती थी। और जहाँ तक इनके मदर ने बताया है कि जो जो सिस्टर है इसको कुछ भी समझ नहीं थी, जे नहा भी नहीं सकती थी, खुद अपना खाना नहीं खा सकती थी और 4 साल हो गए थे 2019 से लेकर आज 2022 है अभी तक इसकी प्रॉब्लम ऐसे बनी थी। और जे बता रही कि जिस कारण जे इनकी फैमिली इनके मदर बहुत ही परेशान हो चुके थे और जे बता रहे कि जे 25 साल से अपनी धार्मिकता कर रहे थे और उसके कारण भी वहाँ भी जाते थे पर फिर भी जो प्रभाव था दुष्ट आत्मा था नेगेटिव पावर का वो ऐसे बना था, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और धार्मिकता के करने के कारण भी जहाँ तक जिस सियाने तांत्रिक बाबों के पास भी गए बहुत ज़्यादा जो बता रहे कि इन्होंने अलग अलग सियाने बाबों के पास गए पर फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इसकी कंडीशन ऐसे ही बनी थी। और जो बता रहे कि अभी मई महीने में इसकी जो हालत थी कंडीशन और भी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी पहले से भी ज़्यादा क्योंकि इसको कोई कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और जो सिस्टर जब बता रहे इनके मदर ने बताया कि 15 दिन हो गए थे मई महीने में कि रात के समय जो भाग जाती थी घर से जिसके कारण इनको 15 दिन इन्होंने लगातार इसको 4 पाई के साथ बांध कर रखा था क्योंकि जो घर में एक समय भी इनको इसको अकेले नहीं छोड़ सकते थे एक मिनट भी नहीं। और ये बताते इनकी मदर कि जब भी हम घर में खाना बनाते थे हमें पता नहीं होता था कि खाने का समय नहीं होता था हमारे साथ हमारे पास सारा दिन जो बताते कि इसके साथ ही हम इसको संभालने में लगे रहते थे और रात के समय जो बताते कि जे उठकर कभी किचन में चली जाती थी रसोई में चली जाती थी कभी कुछ करने लगती थी अपने आप ही। और जहाँ तक जे बता रहे हैं कि जे रात के समय उठकर अपने बालों को संवारना शुरू कर देती कभी मेकअप करना शुरू करती ऐसे कुछ भी ऐसे जो बता रहे कि दीवारों में भी लिखती थी कुछ भी करती रहती जिसके कारण इनकी फैमिली बहुत ही परेशान हो चुकी थी। और जो बता रहे कि इसने कई बार ऐसे फरनैल भी पी ली जिसके कारण इनकी फैमिली बहुत ही परेशान हो चुके थे। और जो बता रहे कि 4 साल से जो ऐसे परेशान थे पर इन्होंने जैसे मई महीने में बहुत ज़्यादा जो सिस्टर ने परेशान किया उसके कारण जो बता रहे कि जो 15 दिन पूरी रात और पूरे दिन इन्होंने चैन से अपने जीवन को नहीं बतीत किया रात के समय जो 15 दिन पूरे सोकर नहीं इन्होंने देखा नहीं जिसके कारण जी काफ़ी परेशान थे। और जो बता रही कि जैसे इनको प्रभु की गुड न्यूज़ मिली और जब फर्स्ट टाइम यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री में 7 जुलाई को ऐसे चर्च भवन में लेकर आए और जो बता रहे कि जैसे उस दिन उन्होंने टीम के साथ मीटिंग की और टीम ने इनको उत्साहित किया कि कैसे प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे आपने कैसे विश्वास करना है और इन्होंने बताया कि जी बहुत ही अजीब हरकतें करती है। तो फिर टीम ने इनको कहा कि जब भी अब ऐसे करें तो आपने इसकी वीडियो बनानी है और हमें ऐसे दिखाना है और वे अपने विश्वास करना है आज से कि परमेश्वर इसको अच्छा कर चुके। और जैसे ही जी ऐसा सीख कर भवन से गए और फिर इन्होंने जो फर्स्ट मीटिंग थी वो 10 जुलाई को अटेंड की थी और सबसे पहले जो अजीब ही हरकतें करती थी जो घर में जैसे टीम ने इनको बोला तो इन्होंने कुछ वीडियो बनाई थी पहले हम उस वीडियो को देखेंगे। नाम जसूदा
नाम जसूदा नाम जसूदा दूर हुंदियां बलावां लेके नाम जसूदा दूर हुंदियां बलावां लेके गंगा जसूदा दूर हुंदियां बलावां लेके नाम खून पीना मैं दूर हुंदियां बलावां लेके नाम जसूदा गंगा बचला जो जे सिस्टर अजीब ही हरकते में देखा था जिसके कारण इनकी फैमिली बहुत ही परेशान हो चुकी थी और फिर इन्होंने फर्स्ट मीटिंग को 10 जुलाई को अटेंड किया और जैसे जब मीटिंग में आए और प्रभु के दास जब दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और उस समय इस सिस्टर पर नेगेटिविटी का प्रभाव जो दुष्ट आत्मा फिर से प्रकट हो गया और जिसके कारण जी बहुत ज़्यादा बोलती थी जिनकी फैमिली ने बताया कि एक समय भी जो चुप नहीं रहती थी उस दिन भी क्योंकि जी बहुत ज़्यादा गंदी गाले भी निकालती थी और जैसे उस दिन मीटिंग में भी जी बहुत ज़्यादा बोल रही थी बहुत ज़्यादा ऐसे गाले निकाल रही थी और जिसके कारण इनकी फैमिली उस दिन भी बहुत ही परेशान थी और जैसे ही उस दिन जैसे प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे और जब इनकी मदर आगे आए और इनको प्रभु के दास ने इनको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया आओ हम अब इस वीडियो को देखेंगे इसलिए वो आया ताकि जो लोग संसार में दुखों में उसने अपना जीवन का बलिदान दिया है इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करता बाइबल कहती है वो बचाया जाता है अगर आप विश्वास करोगे तो आपकी बेटी बचाई जाएगी आपका घराना बचाया जाएगा करते हो विश्वास करते हो मन से करना बहुत सारे लोग आते हैं अपने काम के लिए वो आते हैं पर वो सत्य तक नहीं पहुंचते पर अगर आपने ये सत्य आज समझ लिया वो इसलिए आया ताकि जो इस संसार में दुखी लोग हैं उनको वो जीवन दे क्योंकि ये इसलिए ये परेशान है इस कारण इसके ऊपर उस दुष्ट आत्मा का प्रभाव है क्योंकि हम सब पाप से पैदा हुए हैं और पाप हमारे ब्लड में है पाप कहाँ है हमारे सर ये इसके ऊपर ही नहीं है ये मेरे ऊपर भी है मेरे बड़े बेटे के ऊपर है अच्छा मेरी छोटी बेटी के लिए भी है मेरे सारे और कौन कौन आया आज आपके साथ लिहो सिखा रा बाबा बाबा लिबारा बाबा सखा बाबा बाबा ली सखा रा बाबा 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 मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ मैं कैंसिल करता हूँ इसकी सारी इसकी बॉडी पर जो प्रभाव है मेरे परमेश्वर इसकी इसके अंदर जो नेगेटिविटी का प्रभाव है मैं जड़ से उसके असर को खत्म करता हूँ मैं खत्म करता हूँ प्रभु यस तेरी शांति इसके जीवन में राज्य करे यस मेरे प्रभु तूने कहा बीमारों पर हाथ रखोगे दुष्ट आत्माएं छाती रहेगी यस खुदावन तू शांति का परमेश्वर है और तेरी शांति इसके जीवन में आए तेरी शांति इसके जीवन में आए लोहू साखा पापा यस मेरे प्रभु यस जो मैंने कहा तूने कहा पहाड़ को कहोगे उखड़ और यहां से चल और निश्चय तूने कहा प्रतीति करो कि वो हो गया है आज यस मेरे प्रभु तू इसे अपनी शांति दे चुके हो यीशु मसीह के नाम से तू शांति बस बोल क्या की नाम की तेरा बोल हाँ कुछ नहीं पता की गल है की प्रॉब्लम की है दस करिया करियो करिए कुत्ते रा हड्डा आई हेडियो चल बोल क्या प्रॉब्लम की तेरी पूर्ण किते गया है कौन पूर्ण किते गया है कौन है पूर्ण पूर्ण किते गया है दस पूर्ण किते
कोई बात नहीं, विश्वास करो ये बिल्कुल अच्छी हो जाएंगे, ठीक है। आपने ठीक है, सब अपने हाथों उठाओ, थैंक यू जीसस करते हुए। और फिर उस दिन इन्होंने फॉर्म फिल करवाया था, इसकी प्रॉब्लम को फॉर्म के ऊपर भी लिखवाया, और जैसे इनके लिए ले एंड प्रार्थना भी हुई। अभी हम उस वीडियो क्लिप को भी देखेंगे। उस आत्मा के कारण जो जो घर से ये भागती हैं और ये जब बहुत ज्यादा बोलती हैं, जिस कारण भी परमेश्वर शैतान ने इसके माइंड को कंट्रोल किया है, शैतान ने इसके माइंड को कंट्रोल किया है, जो शैतान ने इसके माइंड को कंट्रोल किया है, चल शैतान, इसके दिमाग से, इसकी सोच से, इसकी जिंदगी से मैं हमेशा के लिए तुझे बाहर करता हूँ, मैं हमेशा के लिए तुझे बाहर करता हूँ, चल निकल, आओ, गंदी आत्मा इसके शरीर से, इसके दिमाग से, इसके दिमाग से, इसकी सोच से निकल, निकल, निकल पूरी तरह से, छोड़ इसके माइंड को, इसके दिमाग को, शैतान छोड़, हर जादू की टूने की आत्मा मैं तुझे कैंसिल करता हूँ, हर शैतानी मेज से खाया और खिलाया, आस उल्टियों कर आई, ठार आए, द नेम ऑफ जीसस, खुदाबंद, शैतान ने जो इसके माइंड को कंट्रोल किया है, जो शैतान ने इसके माइंड को कंट्रोल किया है, ये घर से भागती है, ये बहुत बोलती है, इसकी सारी कमजोरियां खत्म हो गई, नेम ऑफ जीसस, वंडन शिफावा देखो। और जैसे इनके लिए लेन प्रार्थना हुई और फिर इन्होंने पर्सनल मीटिंग भी अटेंड की, इनको और भी परमेश्वर के बारे में बताया गया, और जो लगातार फिर थर्सडे संडे की मीटिंग को अटेंड करते रहे, और जो बता रहे कि जैसे इन्होंने थर्ड मीटिंग को अटेंड किया संडे की, और उस दिन ही परमेश्वर ने इस बच्ची को पूरी तरह फ्री किया, उस दिन इसने पूरी मीटिंग को बहुत ही अच्छे से सुना, और उस दिन से लेकर और आज इनको 2 महीने से प्लस समय हो गया, जो बिल्कुल परमेश्वर ने जो नेगेटिविटी का प्रभाव था उससे पूरी तरह से इसको फ्री कर दिया है। जो पहले जो खुद नहा नहीं सकती थी, खाना नहीं खाती थी, इसको कुछ समझ नहीं थी, घर में प्रेम के साथ नहीं रहती थी, आज खुद अपने आप अपना घर का काम भी करती है, नहाती है, खुद खाना खाती है, और आज परमेश्वर ने इस पूरे प्रभाव से आज पूरी तरह से इसको फ्री कर दिया है, और आज इसकी फैमिली पूरी खुश है, क्योंकि जो रात के समय जो सो नहीं पाते थे, आज परमेश्वर ने इनको मीठी प्यारी नींद दी है, और आज इनकी फैमिली, इनकी मदर बहुत ही खुश है कि परमेश्वर ने आज इनकी बेटी को आज़ाद कर दिया है। आज परमेश्वर का जो धन्यवाद करते हम सब तारीफ करेंगे, कलीसिया पूरी जोर से खुदावन परमेश्वर की तारीफ करेंगे। और सुनो 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 सुनो, अब जो लोग कहते हैं कि ईसाई लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, अब इनसे पूछो इनका धर्म बदलना कि जीवन बदलना, अरे 4 साल ये इतने दुख में सही ढंग से ना सो पाए ना खा पाए, इनको पूछ कर इनका क्या बोलो, क्या है इनको पूछ कर देखो इनका हाल क्या। इसलिए ये बहुत जरूरी है, बोलो क्या है, ये बहुत जरूरी है। 25 साल तक इन्होंने अपनी धार्मिकता की, कितने तांत्रिक बाबों के पास ये गए, फिर भी हल नहीं हुआ, बहुत कुछ किया। आप थोड़ा सा बताओ, इन्हें माइक दो, हाँ बताओ थोड़ा सा, कैसे कैसे आपके दिन, आज तो सब कुछ मुझे पता अच्छा है, ये 4 साल आपके कैसे गुजरे थोड़ा मुझे बताओ। पापा जी बहुत मुश्किल, हाँ बहुत मुश्किल, बहुत परेशान थे, बहुत कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, कुछ भी समझ नहीं कि कैसे ये सही होगी। 15 दिन मैं अपने पेक्यां दे पूरा परिवार लेके रही, इस घर नूं ताले मार गई, कोई भी डरदा बच्चा इस घर च नहीं वड़दा, मैं खुद नहीं सी वड़दी,
मेरे ते खुद मेरा मुंह विंगा हो जांदा है, मेरे बड़े बच्चे दा मुंह विंगा हो जांदा है। अच्छा, इसके साथ-साथ आपके ऊपर भी दुष्टात्मा का प्रभाव था? सारा परिवार पापा जी मेरा, आपके बच्चों पर भी? मेरे हस्बैंड दी डेथ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे हस्बैंड दी डेथ भी इन्ना कन्नम जी हुई है। अच्छा, आपके हस्बैंड की डेथ भी इसी कारण हो गई? इसी कारण हुई है। ओ देखो, और फिर वो नेगेटिविटी का प्रभाव आपके बच्चों पर भी आ गया। वही वही हास जो ही कदी मैं अपने आप नूं खत्म करना चाहती हूँ, कदी ये बच्ची, कदी मेरा वड्डा बेटा, कदी कोई पता नहीं ऐसी किवें इन हालातों जो बचे रहे हैं। आप इसलिए बचे रहे क्योंकि बाइबल कहती हम जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसमें चुने हुए। अगर मैं भी ना चुना होता तो मैं भी आज जिंदा ना होता, क्योंकि मेरी भी गवाही है। हाँ, मेरी भी गवाही है ना। अगर परमेश्वर ने मुझे चुना ना होता तो आज बहुत साल पहले मैं भी, मेरा भी इस पृथ्वी पर नाम बहुत पहले समाप्त हो जाना था। पर खुदावंद का मैं चुना हुआ था, जैसे बाइबल कहती है कि उसे हमने जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसमें मतलब मसीह में चुन ली, इसलिए मैं भी जीवित हूँ। नहीं तो मैं बहुत साल पहले मेरी भी डेथ हो जानी। अब चुने हुए थे इसलिए परमेश्वर ने आपको बचा कर रखा। हाँ बताओ आप। 4 साल हो गए थे, मेरी बड़ी भैन जड़ी है वो भी इसे मिसल नू मानती सी, बहुत जोर लाया ने मैनू कि मेरे नाल इस पासे चल, कि तेरी बड़ी और तू ही, सारा परिवार ताड़ा चंगा हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं आ पाई। मैं एक ही गल बोलती हूँ कि जहाँ मैं जाती हूँ मैं वहां ही जाऊंगी। जो भी आप धार्मिकता करते मैंने वही करना, और मैं नहीं आना, है ना। जिस दिन मैं इत्थे आई मैं किसे नू, गली वाले नू नहीं पुछया, किसे नू नहीं पुछया, अपने रिश्तेदारां दी नहीं परवाह कीती। मैं कल्ली सारियां जंजीरियां सारे संगल तोड़ के खुदा के पास आई, इस सच्चे जीवन च आ गई। तारीफ करो, तारीफ करो। अब मुझे बताओ, अभी खुश हो, मुझे बताएं। खुश हां कि मैं हर जो भी कोई मेनू रस्ते च मिलता है मैं ऑटो च बैठती, मैं उन्हें भी कहनी हाँ कि उस सच्चे घर नू जाओ, उथे तुहाडा बचा है, उथे तुसीं बचाए जाओगे। अब मुझे बताओ, आपका धर्म बदला के जीवन बदला है? मेरा जीवन बदला। अगर कोई कल को आकर आपको कहे कोई मेरा रिश्तेदार मेनू कोई भी छोड़ देगा, मैं छोड़न नू तैयार हां। अच्छा, रिश्तेदारों को भी छोड़ दोगे? छोड़न नू तैयार हां, पर यीशु मसीह को नहीं छोड़ोगे? पर इन्नू मैं नहीं छड्डांगी, क्योंकि मेनू इन्ने बहुत सारिया खुशियां दित्तियां दे दित्तियां आ। अगे भी विश्वास करती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, मेरे बच्चे पढ़े लिखे आ और नौकरियां ते जानगे, इस घर चो बन के जानगे, उन्होंने बहुत सारी तरक्की होएगी। ए परमात्मा बहुत सारी तरक्की मेरे बच्चों नूं देगा। मैं बड़ी मेहनत दे नाल पढ़ाए आ, ते इस पढ़ाई दा मुल मेरा परमेश्वर देगा 100% देगा। तो सुनो एक चीज, अगर कल को अगर कोई कहे, कोई आकर आपको दबाए, मेनू कोई नहीं दबा सकता। अच्छा, आपको कोई नहीं दबा सकता? आप भी नहीं दबा सकते। मैं इतनी मतलब थे बहुत ज्यादा तकलीफा दे विचों निकल के थे, इतनी ज्यादा खुश हां कि मैं थे रात भी आउनी, मतलब कह सकते हैं आप कुछ भी हो जाए आप यीशु मसीह को नहीं छोड़ो। मैं घर च किते भी परेशान होवा मैं थे दोपहरे आन के इन्हां दे परिवार दे कोले च चर्च च आन के बैठदी, ते मैं खुशियां लेके घर नूं जानी हां। मैं किसी भी परेशानी चो आ इत्थे आन के बैठदी हां, सेवा करदी हां, ते मैनूं बहुत आनंद मिलदा, मैनूं खुशी मिलदी। मेरा कोई भी काम बिगड़दा होवे ते मेरा काम पापा जी बन जांदा। जीभ ते रोटी नहीं सी हुंदी, साडी जीभ ते स्वाह हुंदी सी, तो उस स्वाह दे नाल लगदा मैनूं उस तरह ते पत्थरियां ना आंदियां, पर उस स्वाह दे कारण मेरे बच्चियां नूं पत्थरियां भी पै सकदियां सी, कुछ भी हो सकदा है। जिन्नी मैं काख खा लो ते सौं जाओ पर नींद नहीं आंदी, परमेश्वर दे घर आण के मैं चैन दी नींद सौंदी आ। जेड़े कमरे च मर्जी मेरे बच्चे सौंदे आ मैं कल्ली सौंनी आ, पहला मेरे बच्चे एक दूजे दा सहारा लैंदे ही। उसी घर में जिसमें आपको पहले डर लगता था, उसे घर में कोई दोपहरे डरदा सा, कोई रात नूं डरदा सा, अब आराम नाल सौंदे हो सारे, अब कोई डर नहीं, आराम नाल सौंदे। जेड़े कमरे च जीदा जी करदा है कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई रात नूं प्रार्थना करदे आ अपनी,
ਤੇ ਕਰਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੇ, ਵਿਆਹ ਦੇਗਾ, ਐਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਘਰ ਚੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਓਕੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ, ਸੁਣੋ ਸਭ, ਸੁਣੋ ਸਭ, ਕਿਉਂਕਿ सचमुच वो जीवित परमेश्वर किसी का धर्म नहीं, वो जीवन बदलने के लिए है। इनको पूछ कर देखो जो 4 साल तक कितने दुख में रहे और 25 साल तक इसकी प्रॉब्लम तो 4 साल से है। पहले तो इनके पति की डेथ होगी, क्या होगी इनकी, उनके 2005 छोटे छोटे बच्चे, जो छोटा मेरा सब तो छोटा बच्चा है, मेरी अपना दुध पींदा सी, मैं बहुत कष्टां दे नाल पालिया पोछिया है, पर पाल पोछ के जवान कीते। सुनो, और 4 साल से इसका इसके ऊपर नेगेटिविटी का इतना प्रभाव हो, इन्हें प्लस टू की थी बहुत वधिया, ना किसी नु सहेली बढ़ाया, ना वक्त तो बार कदी इधर उधर गई, 10 रुपए किराया हुंदा ही ते 10 रुपए ही लेके इन्हें स्कूल जाना, 5 आन 5 जान, कोई फालतू पैसा नहीं, कोई सहेली नहीं। एक कंप्यूटर कोर्स करन दे 53 नंबरां दा इन्हें टेस्ट दिता, वह 53 नंबरां दा जो टेस्ट दिता उस टाइम ते घर आई ते बस इस तरह बड़बड़ाण लगी, घर चो इन्हें बाहर नूं नठण लगना, फिर असीं राखियां करन लगे। जब जे प्रॉब्लम शुरू होई, हां जी हां जी, कंप्यूटर कोर्स करन दे सी, ठीक है, घर चो नठणा, बाहर गली नूं भज्जणा, दीवारां थाणी भज्जणा, असीं राखियां कर करके थक गए, कारोबार छड्ड दित्ते, काम कार छड़ दिता, मतलब अपने आप कर भज जांदी सी, अपने आप बाजार च भजदी सी, मतलब कदी इस गली नूं कदी इस गली नूं, एक दिन ने कोठे ते चढ़ के गिट्टा तड़ा लिया बैक साइड ते, बहुत मुश्किलां दे नाल गाड़ियों डंडे मारदी सी, मेरे मुंगला मारिया, मेरी उंगली मूंह च पा ली, बहुत सारा साडे नाल जुल्म कीता, बहुत सारा। नहीं, इसने नहीं किया, वो करने वाले उस डेवल ने, उस नेगेटिविटी पावर ने किया, बहुत सारा ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, पर परमेश्वर महान ने, वो ध्यावान ने, जिसने आपको अपने पास बुलाया, जे जीवन दिया, शांति दिया, हां, और जिस दिन दी मैं इथे आई मैं बहुत खुश है पापा जी, मैं बार-बार कहवांगी के मैं इथे जो भी आएगा खुशियां लेके जाएगा, खाली हाथ आया है झोलियां भर के जाएगा। ओके, सबनों मिले, सुनो सब, ठीक है, ओके। तो सच में हम तो सुन रहे हैं ना, सिर्फ इनकी गवाही सुन रहे हैं, पर जिन्होंने, जिनके साथ ये सारा कुछ हुआ, जिनके जीवन में ये सारा कुछ बीता, जो इतने सालों तक ना सही ढंग से खा पाए, ना पी पाए, ना सो पाए, इनकर पूछ को देखो इनका जीवन कैसे कट रहा था। बोलो क्या है, इनका जीवन के दिन कैसे कट रहे थे, समझ आ रही ना, इनको पूछ कर देखो। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, करने वाला वो है, बोलो क्या है, करने वाला वो है सब कुछ। मैं तो उसका सिर्फ दास हूं और मुझे यूज करता है अपने काम के लिए, पर करता कौन है सब कुछ, कौन करता है सब कुछ, वो करता है। पर जिसके लिए ये आए हैं, जिसके लिए ये परेशान थे इतने सालों से, वो खुदा ने सब कुछ अच्छा कर दिया, अब ये अपना सही ढंग से खाती पीती सोती सब कुछ है, हर संडे वीरवार प्रभु की हजूरी में आ रही है, पहले कितनी गाली निकाल रही थी, बोलो क्या थी, इसी दिन उस दिन हमने माइक आगे नहीं किया इसके, क्योंकि वो शब्द ऐसे थे बहुत ज्यादा, समझ रहे हो, तो सुनने वाले नहीं थे वो, बोलो क्या है, फिर भी आवाज आई थी ना, आवाज आई थी, आज वीडियो में देखा आपने, पर सच में वो परमेश्वर जीवित है, जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, इस दुनिया को बचाने के लिए आया, और हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मरा, उसने इतना दुख अपनी देह पर उठाया, बोलो क्या है, अपनी देह पर इतना दुख उठाया है, ताकि हमें जीवन मिले, क्या मिले, उसने कोई पाप नहीं किया, उसने कोई गुनाह नहीं, कोई गलत नहीं है, उसको सब कुछ ये इसलिए सहना पड़ा ताकि हमें जीवन मिले, अगर वो ना मरता
जैसे कुछ लोग कहते हैं ना यीशु मसीह के चेले भाग गए, हाँ अगर वो इतनी शक्ति वाला तो अपने आप को बचाता क्यों ना, समझ आ रही नहीं? क्योंकि ये एक भेद है, शैतान भी नहीं जानता था। बोलो शैतान भी नहीं जानता था। अगर उसे पता होता तो यीशु को मरने ना देता, ये भेद था। यीशु मसीह का मरना बोलो क्या था, एक भेद था। अगर वो नाम पढ़ता तो पूरी पृथ्वी के लोगों को आज जीवन ना मिलता, उस पाप से छुटकारा ना मिलता। क्या ना मिलता? इसे छुटकारा ना मिलता, इस फैमिली को ना मिलता, मुझे ना मिलता, आपको ना मिलता, इस दुनिया को ना मिलता, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए जो आज भी झुका ना झुके, वो आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा है। तारीफ करो उस जीवित परमेश्वर के लिए। जोर से अपने हाथों को उठाकर